आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ पूरे समाज को एकजुट करना चाहता है, हमारे लिए कोई पराया नहीं है, वो हर विचारधारा से जुड़े लोगों को शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे ही हैं, उनका हमारा विरोध करने से हमें नुकसान ना हो, इतना विचार विमर्श हम जरूर करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया है। संघ प्रमुख भागवत ने कहा, मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जो हमारा विरोध करते हैं वे भी हमारे हैं, विरोध से हमारा नुकसान न हो, संघ को इसकी चिंता करनी चाहिए। मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरे पर यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। मोहन भागवत ने संगठन से जुड़े लोगों से अपील की और कहा कि विरोधियों की सूची बनाई जाए और उनसे संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ की विचारधारा के विरोधी को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, सपा बसपा या कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी लोगों को भी संघ साथ लेकर चलेगा। उन्होंने कहा कि संघ प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोगों को जोड़कर आगे बढ़ेगा। संघ की तरफ से चिकित्सक, शिक्षक, सेना अधिकारी, अधिवक्ता, स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक समाज में बदलाव के लिए कई अच्छे काम कर रहे हैं, आप सभी बुद्धिजीवी इन कार्यों में भाग ले सकते हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा भी जाहिर की है। इससे पहले सर संचालक मोहन भागवत के लखनऊ दौरे के दौरान अवध क्षेत्र की कई संगठनात्मक बैठकें सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित की गयी। वहीं खबरों से ये निकल कर आया कि बैठकों के दौरान अवध प्रांत क्षेत्र में आरएसएस के विस्तार और मजबूती के लिए अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। प्रांत प्रचार प्रमुख अशोक दुबे द्वारा जारी एक बयान के अनुसार समाज के अलग अलग स्तर के लोगों से संपर्क करने पर चर्चा हुई। बयान में कहा गया कि क्षेत्र में संभावनाएं तलाशने और हिंदू समाज के कल्याण के लिए अनेक कैरियर पर चर्चा हुई है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।